खबर उज्जैन के बड़नगर से है, जहां शासकीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बनकर हुआ तैयार। ऑक्सीजन प्लांट का हुआ लोकार्पण। उज्जैन के बड़नगर शासकीय अस्पताल में नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण हुआ। अब शासकीय अस्पताल में उपचार करवाने के लिए आने वाले मरीजों को ऑक्सीजन समय पर उपलब्ध हो जाएगी और उनके उपचार में समस्या परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। नवीन ऑक्सीजन प्लांट के शुरू हो जाने के बाद वहीं शहर में और बड़नगर तहसील में अन्य जगह पर भी अगर ऑक्सीजन की कमी आती है तो तुरंत समय पर वहां ऑक्सीजन की पूर्ति करने में उक्त प्लांट बेहद फायदेमंद साबित होगा। शुभारंभ अवसर पर बड़ी संख्या में प्रमुख अधिकारी, जनप्रतिनिधि और आम नागरिक मौजूद रहे। दानियों का सपोर्ट और आप जैसे दानकर्ताओं का सपोर्ट, व्यापारी जनों का सपोर्ट, डॉक्टर्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। मैं उस वक्त देख रही थी कि प्रशासन के हाथ में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। हम लोग को मेडिसिन किट्स बनवानी होती थी, हम लोग को बेड्स अवेलेबल करवाने होते थे, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स चाहिए होते थे। तो मोर और लेस जो वहाँ की स्थिति थी, मैं उसी को अगर बड़नगर से कंपेयर करूँ तो बड़नगर में भी वही स्थिति रही होगी। उस वक्त मेरे जो वहाँ विधायक थे वो भी बहुत मेहनत करते थे, तो मैं समझती हूँ कि अगर विधायक जी इतनी मेहनत नहीं करते और बड़नगर का जो इतना नाम होता है कि बड़नगर ने बहुत अच्छे तरीके से सेकेंड वेव को हैंडल किया था, तो उसमें विधायक जी की बहुत बड़ा सहयोग रहा होगा, आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा था। उस वक्त तो ऐसी हालत थी कि प्रशासन, कलेक्टर साहब बोलते थे कि प्रशासन में VCs जो हमारी होती थी कि आप लोग अपने स्तर पर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंज कर सकते हो आप करो, जितना रिसोर्सेज अरेंज कर सकते हो करो। उस वक्त अगर आप लोग सामने नहीं आते तो हम लोगों के लिए, प्रशासन के लिए किसी भी चीज़ को टैकल करना बहुत मुश्किल था। ऑक्सीजन की पूर्ति होगी और किस प्रकार से क्या रहेगा? ये ऑक्सीजन प्लांट पूरी तहसील के अंदर पूर्ति करेगा और जो 4 हॉस्पिटल हैं यहाँ पे प्राइवेट, उनको भी सिलेंडर यहाँ से उपलब्ध हो गए रोगी कल्याण समिति के माध्यम से। और इसके साथ साथ ज़्यादा गैस सिलेंडर रहेंगे तो वो जो यहाँ पे फैक्ट्री है, यहाँ पे जो कच्ची फैक्ट्री, उनको भी हम यहाँ से उपलब्ध कराएंगे ताकि रोगी कल्याण समिति इसकी मजबूत हो जाए, कि मध्य प्रदेश के अंदर बड़नगर रोगी कल्याण समिति का नाम हो। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।